मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या जॉन सीना इस साल के रॉयल रंबल मैच को जीतकर रसलमेनिया 38 में डबल चैंपियन बनने वाले हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रसलमेनिया 38 में WWE ने रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच में एक टाइटल वर्सेस टाइटल मैच का प्लान बनाया है। लेकिन दोस्तों, WWE इस मैच को और ज्यादा बड़ा बनाने के लिए इस मैच में किसी तीसरे सुपरस्टार की एंट्री करा सकती है। दोस्तों, वो सुपरस्टार रॉयल रंबल मैच का विनर हो सकता है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले दो सुपरस्टार्स के नाम सामने आते हैं। पहले सुपरस्टार हैं ड्रू मैकइंटायर और दूसरे हैं जॉन सीना। लेकिन दोस्तों, हाल ही में हुई ड्रू मैकइंटायर को इंजरी के कारण उन्हें सर्जरी करवानी पड़ सकती है। दोस्तों, जिस वजह से शायद ड्रू मैकइंटायर हमें इस साल के रॉयल रंबल मैच और रसलमेनिया दोनों को मिस करते हुए दिख सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद केवल एक ही नाम बचता है, जॉन सीना का। लेकिन दोस्तों, WWE फैंस के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जॉन सीना ही क्यों रॉयल रंबल मैच को जीतकर रसलमेनिया 38 में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के मैच में ऐड होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे कई सारे मेन कारण हैं। जैसे कि पहला कारण है कि हम सब जानते हैं कि जॉन सीना प्रो रेसलिंग की दुनिया के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और वो WWE के शोज पर एक तगड़ी रेटिंग ड्रॉ कर सकते हैं और WWE के शोज और इवेंट्स की टिकट भी एक बड़ी मात्रा में सेल करा सकते हैं। दोस्तों, जिससे WWE को बहुत तगड़ा फायदा होगा। और दोस्तों, जॉन सीना ने भी पिछले साल रिटर्न करके WWE को बहुत तगड़ा फायदा करके दिखाया था। दोस्तों, दूसरा कारण है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जॉन सीना की ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस दोनों के साथ बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है। दोस्तों, हमने लास्ट ईयर देखा था जहां पर समर स्लैम में रोमन रेंस ने लगातार दूसरी बार जॉन सीना को हराया था और दोस्तों वहीं उसी मैच में ब्रॉक लेसनर ने रिटर्न करके जॉन सीना को बिना मतलब के F5 भी दे दिया था। दोस्तों, जिससे WWE यह दिखाना चाहती थी कि आने वाले समय में जॉन सीना इस टाइटल वर्सेस टाइटल मैच की स्टोरी लाइन में ऐड किए जा सकें। और शायद यही कारण बने जो जॉन सीना को 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनाए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जॉन सीना ने पिछले कुछ सालों में WWE में एक भी मैच नहीं जीते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे जॉन सीना के पास एक मौका होगा कि वो फैंस के सामने ये प्रूफ कर सके कि आज भी वो चैंपियनशिप जीतने का दम रखते हैं। दोस्तों, जॉन सीना भी इस मैच के जरिए रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर से अपने समर स्लैम का हिसाब बराबर कर लेंगे और 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनकर WWE का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना लेंगे। लेकिन दोस्तों, इसके लिए जॉन सीना को इस साल के रॉयल रंबल मैच को जीतकर रसलमेनिया में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर दोनों को चैलेंज करना होगा और रसलमेनिया 38 में ट्रिपल थ्रेड मैच को जीतकर अपना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना भी पूरा करना होगा। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि जॉन सीना रसलमेनिया में 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने, वो भी रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर दोनों को हरा के? तो अपने थॉट को नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं।